नमस्कार, स्पिन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के तहत पहुंचे थे। शराब घोटाले मामले पर संजय सिंह पर 2 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप ईडी अधिकारियों द्वारा लगाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2 अप्रैल की सुनवाई के दौरान ईडी अधिकारियों से पूछा गया था कि जो 2 करोड़ के आरोप आप लगा रहे हैं, इसके सबूत कहाँ हैं। यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती हुई नजर आई तो संजय सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत ईडी अधिकारियों द्वारा पेश नहीं किया गया। और सुप्रीम कोर्ट से जब यहाँ पर तमाम दलीलें सामने रखी गई और सुप्रीम कोर्ट के तहत जब ईडी अधिकारियों से पूछा गया कि क्या आप संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध करते हैं, तो ऐसे में ईडी अधिकारियों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। ऐसे में संजय सिंह को राहत मिल गई और संजय सिंह की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी गई। ऐसे में जहां संजय सिंह को जमानत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में संजय सिंह को लेकर लोकसभा चुनाव सीट की बातें तेज होने लगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में सभी दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और सीटों के समीकरण के हिसाब से प्रत्याशियों को टिकट दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी अपना दमखम दिखाने को तैयार है। पार्टी ने सूबे की कई सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि कई सीटों पर अभी भी उम्मीदवार घोषित किए जाने बाकी हैं। इसमें जौनपुर की सीट अभी बाकी है। जौनपुर की सीट पर चर्चा है कि सपा यहां से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को मैदान में उतार सकती है। इस बीच सोशल मीडिया पर सपा उम्मीदवारों की एक लिस्ट वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जौनपुर समेत 4 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इस लिस्ट में जौनपुर की सीट से अखिलेश यादव ने जेल से छूटकर आए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को टिकट दे दिया है। आपको बता दें, इसके अलावा इस लिस्ट में डुमरियागंज में अहमद कमाल, खलीलाबाद से सुबोध चंद्र यादव, मिर्जापुर से प्रीति सिंह पटेल को टिकट दिया गया है। हालांकि ये लिस्ट पूरी तरह से फर्जी बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इसकी पुष्टि समाजवादी पार्टी नहीं करती है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने लिस्ट पर कोई भी ऐलान नहीं किया है और संजय सिंह को जौनपुर से टिकट देने की बातें मात्र अफवाह भर यहाँ पर देखी जा रही हैं।